जेपी सेतु दीघा से पीएमसीएस तक करीब 7 किलोमीटर लंबे जेपी गंगा पथ प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। और यह 7 किलोमीटर की दूरी अब 7 मिनट से भी कम समय में राजधानी वासी तय कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस योजना का लोकार्पण होने से अब एम्स और पीएमसीएच की दूरी काफ़ी कम हो गई है और राजधानी पटना समेत उत्तर बिहार के लोगों की सुविधा काफ़ी बढ़ गई है। एक तरफ जहां लोगों को राजधानी पटना के भयंकर जाम से निजात मिलेगी तो दूसरी तरफ पीएमसीएच से एम्स तक जाने वाले मरीजों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी और राजधानी पटना के लोगों का इलाज अब काफ़ी सुलभ हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस सपने को साकार करने में पथ निर्माण विभाग ने भले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अभी उनका सपना अधूरा है और 2024 तक जो दीदारगंज तक यानी कि जेपी सेतु से लेकर के दीदारगंज तक की जो 20 किलोमीटर की लंबी दूरी है जो करीब 3800 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं उसको जब पूरा कर लिया जाएगा तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों को और खास करके राजधानी पटना के लोगों को भी मुंबई के मरीन ड्राइव का नज़ारा दिखेगा जहां उनको जाम से निजात मिलेगी तो दूसरी तरफ यह इलाका पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की संभावना है और यही वजह है कि राजधानी वासियों के चेहरे आज खिले हुए हैं मुख्यमंत्री की इस योजना के लोकार्पण के साथ ही। कैमरामैन आशीष के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, पटना। पता नहीं यार लेकिन सब ढाका फाल चले लगलो वहीं से दिक्कत नहीं है।